तो आइडिया वो पेट्रोल है जिससे हर एक स्टोरी ने बहुत बड़ी और खतरनाक आगे पकड़ी है। एक मिनट, ये मैं क्या बता रहा हूँ? अबे ये वो कांड है जो अपन ने किया था, मेरा मतलब ये वो आइडिया है जो तुझे आया था। ओह, ये मैंने क्या बता दिया, अब इनोसेंट बन के वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आइडिया वो पेट्रोल है जिससे हर एक स्टोरी ने बहुत बड़ी और खतरनाक आगे पकड़ी है, और उसी आगों में जन्म हुआ है कुछ बुक्स का, और दुनिया को मिले हैरी पॉटर्स एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे ग्रेट मूवीज एंड स्टोरीज। तो अब ये मत बोलना कि वो बहुत बड़े क्रिएटर्स है वगैरह वगैरह, वो भी इंसान ही हैं और उन्होंने इस छोटे से दिमाग से बड़े बड़े आइडियाज निकाले थे। तो अब ये वीडियो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे फोकस नहीं करेगा, बल्कि हम जानेंगे कि एक्चुअल प्रोसेस क्या है आइडिया जनरेशन की। चाहे आप YouTube वीडियो बना रहे हो, चाहे आप शॉर्ट फिल्म बना रहे हो, चाहे आप एक मूवी बना रहे हो, या चाहे आप एक बुक लिख रहे हो, नो मैटर व्हाट इट इज, हम फोकस करने वाले हैं द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द आर्ट ऑफ आइडिया जनरेशन के ऊपर। चलो देखते हैं। सो ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप टू इंस्पिरेशन। हाँ, ऑब्जर्वेशन के बिना हम आइडिया को जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानी दिमाग कभी खुद से किसी क्रिएटिविटी को नहीं बनाता। मीन्स, तो देखो, ए प्लस बी से ही हम सी को बना सकते हैं, हमारा दिमाग डायरेक्ट सी को नहीं बना सकता। सो दैट मीन्स कि ए मतलब ऑब्जर्वेशन, बी मतलब हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन, और ये दोनों मिलके क्रिएट कर रहे हैं सी को, मीन्स क्रिएशन को, एक आइडिया को। तो ऑब्जर्वेशन ही तुम्हारे सवालों का जवाब है। जितना ऑब्जर्व करोगे उतना ही तुम आइडियाज जनरेट कर पाओगे। और ये कभी मत सोचना कि तुम कभी किसी को कॉपी कर रहे हो, नहीं, तुम सिर्फ इंस्पिरेशन ले रहे हो और उसी से एक न्यू आइडिया क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि किसी ना किसी से इंस्पिरेशन लेना ही पड़ता है एक आइडिया क्रिएट करने के लिए। हमारा दिमाग कभी खुद से कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाता जब तक इसने कुछ देखा ना हो। सो पास्ट को खरीदना अच्छी बात नहीं है, बट आइडिया जनरेट करने के लिए हमें पास्ट को खरीदना पड़ेगा। तो तुम्हारी लाइफ भी एक खजाने की गुफा है जहाँ शायद कई स्टोरीज है जो बाहर आना चाहती है। तो अगर तुम मेरी तरह रूम में पड़े नहीं रहते तो तुम्हारे पास मेरे से कई ज़्यादा एक्सपीरियंस है अपने स्टोरीज को और आइडियाज़ को क्रिएट करने का। हाँ, अपने लाइफ से भी कुछ सीखो। जो एक्सपीरियंस तुम्हें मिला है, जो चैलेंजेस तुमने फेस किए, इससे तुम्हें एक डीप ऑब्जर्वेशन मिलेगा एक गुड स्टोरी टेलिंग के लिए। हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से हमें सवालों के जवाब नहीं मिलते, एक्चुअल में खुद के पास ही वो आइडिया जनरेट करने की चाबी होती है। सो लर्न फ्रॉम योर लाइफ एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो सोचो, अगर किसी आइडिया का, किसी स्टोरी का एंड ही ना हो तो वो स्टोरी ख़त्म तो होती है, बट और एक टर्न आता है, और एक मोड़ आता है जहाँ से वो एक नया टर्न लेती है एंड आगे बढ़ जाती है। नहीं, मैं इंडियन टीवी सीरियल्स की बात नहीं कर रहा, हालांकि वही है जो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाती है। सो व्हाट इफ, एक सवाल है जो कभी रुकने नहीं देगा तुम्हारे सोच को, वो हर जगह से एक न्यू रूट बना देगा आपके स्टोरी के लिए, आपके आइडिया के लिए। तो अपने हर आइडिया में अपने दिमाग को ये ज़रूर बोलना कि व्हाट इफ अगर ऐसा होता तो, व्हाट इफ की नोबिता की जगह डोरेमोन शिज़ुका का गीत। तो अब अगर तुमने अपने आइडिया को क्रिएट किया है तो उसे ये सवाल ज़रूर पूछे कि व्हाट इफ अगर ऐसा होता तो, इससे तुम्हें एक पर्सपेक्टिव मिलेगा अपने आइडिया में, अपने इंस्पिरेशन में। तो अपने अंदर आइडियाज़ का तूफान लाने के लिए दो चीज़ ही काफ़ी है, बुक्स एंड मूवीज़। सो देखो, बुक्स एंड मूवीज़ जस्ट एक एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ नहीं है, वो उससे कहीं ज़्यादा है एक क्रिएटर के लिए, एक फिल्म मेकर के लिए। स्टोरीज से स्टोरीज बनती है, क्योंकि यही वो किताब है जिसने मुझे मेरा फैंटेसी वर्ल्ड दिया है, जहाँ से मैंने मेरा फैंटेसी वर्ल्ड बनाया, जिसे अभी पूरी तरह प्रेजेंट करने के लिए बहुत वक्त है। तो जैसे मैं इंस्पायर हूँ रामायण एंड महाभारत से, सो दैट्स मेक मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, दैट्स गिव मी अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मेकिंग माई ओन वर्ल्ड बाय दैट स्टोरीज। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुक्स एंड मूवीज़ से तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है अपने आइडिया को जनरेट करने के लिए, अपने स्टोरीज में एक डेप्थ ऐड करने के लिए। सो इन्हें प्रैक्टिकली करके ज़रूर देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं। और अब जो लास्ट स्टेप है, उस एक स्टेप से ही तुम अनलिमिटेड आइडियाज़ को और अनलिमिटेड स्टोरीज़ को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, द हिस्ट्री एंड द माइथोलॉजी। तो माइथोलॉजी एक अनगिनत खजाना है, एक भंडार है स्टोरीज़ का एंड आइडियाज़ का, जिससे बहुत लोगों ने अपने आइडियाज़ को ग्रेट टर्न दिया है एंड उसे एक एपिक स्टोरीज बनाई है। बट तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हें उसे कैसे अपनाना है और उसे कैसे ढालना है आज के वक्त में,
एक पास्ट से एक रेलेवेंट स्टोरी में। सो गो विद द बुक्स एंड मूवीज, देर इज अ लॉट ऑफ आइडियाज एंड स्टोरीज वेर यू फाइंड यूर सेल्फ एंड यूर सोल ऑल्सो। सो देयर वी लर्न द आर्ट ऑफ आइडियाज जनरेशन 70%, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विल कम विद दिस चैनल। तो क्रिएट करिए एक सिनेमैटिक, एक यूनिक, एक एपिक आइडिया को थ्रू यूर सेल्फ। टिल देन मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी और नई क्रिएटिविटी के साथ। एज ऑलवेज, तब तक के लिए कीप द आर्ट इन यूर हार्ट।